बिखरे पड़े थे रेत पे मोती रसूल के, बिखरे पड़े थे रेत पे मोती रसूल के, मंजर ये फिर फुरात ने देखा नहीं कभी। नाज़रीन दीने इस्लाम कुर्बानी का नाम है। इसके साल की इब्तदा व इंतहा कुर्बानी से ही शुरू होती है। इस्लामी साल के पहले माह मुहर्रम में नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन ने अपने 72 जानिसारों के साथ दीन इस्लाम को बचाने के लिए मैदान करबला में कुर्बानी दी। अगर नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम रोज़ा आशूरा अपने ख़ानदान की कुर्बानी पेश ना करते तो नूह इंसान ये कहने में हक बजायब होते कि हक बातिल के सामने झुक गया है। लेकिन इमाम हुसैन ने मैदान करबला में वो अजीम कुर्बानी पेश की है जिसने ये साबित कर दिया है कि बातिल हमेशा मिटने वाला है, ख्वाहिश के पीछे कितनी ही बड़ी। लिहाजा हमें शहदा करबला की रूहों को खराज अकीदत पेश करना चाहिए जो 1400 साल पेशतर मैदान करबला में हुआ था। मट्टी में मिल गए हैं इरादे यजीद के, मट्टी में मिल गए हैं इरादे यजीद के, लहरा रहा है आज भी परचम हुसैन का। 10 मुहर्रमुल हराम का मरकज़ी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद हुआ। जुलूस एमए जिन्हा रोड नुमाइश चुरंगी से अपने रिवायती रास्तों से गुजरा। मरकज़ी जुलूस में शहर के मुख्तलिफ इलाकों से छोटे जुलूस भी शामिल होते गए। जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह हुसैनिया खारा दर पर इख्तिताम पज़ीर हुआ। जुलूस के इख्तिताम पर अज़ादारों ने सिक्योरिटी इदारों आईजी सिंध डीजी रेंजर्स का फुल प्रूफ सिक्योरिटी देने पर शुक्रिया अदा किया। के इख्तिताम पर अज़ादारों ने सिक्योरिटी इदारों आईजी सिंध डीजी रेंजर्स का फुल प्रूफ सिक्योरिटी देने पर शुक्रिया अदा किया। ये थी अब तक की खबरें। मज़ीद ऐसी न्यूज़ और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए यंगस्टार टीवी न्यूज़। अफजल है कुल जहां से घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का, एक पल की थी बस हकूमत यजीद की, सदियां हुसैन की हैं ज़माना हुसैन का। ये थी अब तक की खबरें। मज़ीद ऐसी न्यूज़ और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए यंगस्टार टीवी न्यूज़।